दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू खारजन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पुपरी राजबाग खेल ग्राउंड में, जहां पे अभी 26 जनवरी का परेड किया गया है। झांकियां निकाली गई है विभिन्न स्कूल के बच्चों के द्वारा और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने के लिए अलग अलग लोगों को सम्मानित भी किया गया है। इसी कड़ी में हमारे पत्रकार मंडली से भी एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है शाहिद रजा। अक्सर इन दिनों आपने सुना होगा कि लोग पत्रकारों के विषय में पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हम पत्रकारगण डटे हुए हैं और अपने काम को बेहतर ढंग से कर रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि हमारे पत्रकार बिरादरी से एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है शाहिद रजा। आइए अब हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस विषय पे क्या कहते हैं। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि बीते कुछ दिनों पहले नानपुर प्रखंड में एक घटना घटी थी, जिसे नेशनल मीडिया की जो चैनलें हैं, टीवी चैनलें, उन्होंने उस खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था, लेकिन स्थानीय स्तर पे जो पत्रकारिता करते हैं उन लोगों ने उस खबर को बेहतर ढंग से दिखाया और स्थिति को काबू किया। उसी में पहला स्थान जनाब शाहिद अली साहब का है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले पुपरी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। पुपरी न्यूज की पूरी टीम की ओर से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज बेहतर पत्रकारिता के लिए आपको सम्मानित किया गया जी। सबसे पहले पुपरी न्यूज के तमाम देखने वाले जो श्रोतागण हैं या सब्सक्राइबर हैं या उनके व्यूअर हैं, उनको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। और आपका एक सवाल था जी, सवाल ये था कि विपरीत परिस्थितियों में जी देखिए, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें सच दिखाना है, क्योंकि हम समाज का आईना है। अगर अखबार सुबह आंख मलते हुए लोग उठते हैं, पहले अखबार देखते हैं, टीवी चैनल खोलते हैं कि आज देश दुनिया में क्या हुआ है, पहले उसकी हम जानकारी ले लें, फिर उसके बाद वो लोग अगले दूसरे काम में लगते हैं। तो चाहे परिस्थिति जो भी हो, आप सच दिखाएं। अगर आप खबर को तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं या खबर को मसालेदार बनाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर को खुश करने के लिए बना रहे हैं, तो फिर ये पत्रकारिता नहीं है। बिल्कुल, जो भी हो, जमीनी स्तर पे जो बात है उसे, उस बात को उठाएं और थोड़े से आप अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए खबर को ऐसा ना बना दें कि देश दुनिया का माहौल खराब हो जाए। हमारे समाज में जो दो लोग आपस में बटे हुए और आपस में एक साथ मिल के रह रहे हैं, आपस में खाई ना पैदा हो। जी बिल्कुल शाहिद साहब, जैसा कि आपने भी कई बार सुना होगा कि पुपरी न्यूज का एक स्लोगन है, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। और आप सुन रहे हैं अभी शाहिद साहब को, इनका भी यही मानना है कि न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष, और निष्पक्ष खबरों को दिखाने के लिए ही आज इन्हें सम्मानित किया गया है। जी शाहिद साहब जी बिल्कुल, अगर आप सही खबर दिखाएंगे, चाहे वो खबर कैसी भी हो, अगर सही खबर दिखाएंगे तो आपको लोग जरूर प्यार करेंगे। आपके जाहिर सी बात है कि फॉलोवर बढ़ेंगे, आपके फ्रेंड बढ़ेंगे और आपकी पहचान होगी। खबर देखिए, झूठ होती है, झूठ का पुलिंदा ज्यादा दिन नहीं टिकता है। बिल्कुल, झूठ बोल करके थोड़ी देर के लिए तो लोगों को आप खुश कर देंगे, लेकिन सच हमेशा कायम रहता है। अभी खासतौर से माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ एहसान दानिश साहब का, कशिश न्यूज के सीनियर पत्रकार और हमारे बड़े भाई, हमारे गुरु। ठीक है, गुरु गुर रह जाते हैं, चेला चीनी हो जाता है, लेकिन उस गुरु को भी, उस गुरु का भी जो सीना होता है वो चौड़ा होता है कि मेरा चेला कम से कम एक क्षेत्र में आगे तो बढ़ रहा है। जैसे एक शिक्षक होते हैं, शिक्षक सड़क के मानिंद होते हैं, जो सड़क होता है वही के वही रह जाता है और जिन लोगों को जहाँ जाना होता है उसके मंजिल तक पहुँचा देता है। ठीक है, वैसा ही हमारे गुरु, हमारे शिक्षक एहसान दानिश साहब है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हिम्मत दिया, मुझे अपने लफ्जों की अदायगी जो था वो मेरे जबाने, मेरे हलक में डाला उन्होंने,
और मुझे बेबाकी से अपनी बात रखने का यानी कि जो उन्होंने मुझे प्रेरित किया बताया, तो मैं एहसान दानिश साहब का शुक्रगुजार हूं मैं। जी जी बहुत। और जी जी और दूसरी बात और है ना कि आप जैसे आपका एक स्लोगन है, मैं आपके पूपी न्यूज को फॉलो करता हूं मैं, कि न डरेंगे न डराएंगे केवल सच दिखाएंगे, तो बिल्कुल इस पे आप हमेशा कायम रहें। और यकीन मानिए कि एक न एक दिन आपके जो सब्सक्राइबर है वो मिलेनियम में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और दूसरी बात कि आप अपनी बात बेबाकी से रखें। जाहिर सी बात है, बेबाकी से रखेंगे अगर अपनी बात तो लोग उसे पसंद करेंगे, और जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा को ज्यादा देखें, तभी आपका जो खबर है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने सुना जैसा कि साहब ने कहा कि जो पूपी न्यूज का स्लोगन है कि न डरेंगे न डराएंगे केवल सच दिखाएंगे, और सच के राह पे बिल्कुल अडिग रहेंगे। मैं साहब का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने जो अक्सर देखने को मिलता है, और इस बात को इन्होंने अभी अभी कहा भी है कि गुरु बूढ़ी रह जाते हैं और चेला चीनी बन जाता है, लेकिन इन्होंने अपने आप को सम्मानित होने से पहले अपने सीनियर एहसान दानिश साहब को याद किया, स्टेज पे बुलाया और उनके हाथों वो सम्मान पत्र ये लिए हैं। इसके लिए इन्हें भी बहुत बहुत मुबारकबाद हम देते हैं, और आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। पुपरी न्यूज देखिए जी, इसका सही सम्मान जो होता है वो एहसान दानिश साहब को जानी चाहिए था। जी ठीक है ना। ठीक है, एक खबर जो देश और दुनिया का माहौल, माफ कीजिएगा, बिहार का और खास तौर से सीतामढ़ी का माहौल बिगड़ने वाला था, लोग उसे अलग एंगल से खबर बनाए थे। जी, बिल्कुल, लगभग यानी के जो भी मैन मीडिया है वो अलग एंगल उसे दिया था। जी, जी। लेकिन उस खबर में जो सच्चाई थी वो सच्चाई को मैंने दिखाया। ठीक है ना। तो ये सच्चाई दिखाने की अगर ताकत किसी ने दिया है तो वो दानिश साहब को जा रहा है। और उन्होंने हमेशा अक्सर मुझे समझाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि शाहिद भाई, कभी भी उन्होंने अपना छोटा भाई समझा मुझे, और उन्होंने कभी भी कई बार मुझे डांटे भी हैं कि नहीं आप यहाँ ये इसने इस एंगल से उठाना चाहिए था खबर, ये गलत एंगल है। ठीक है ना। तो सारा श्रेय और सारी अगर ये सही सम्मान अगर मिलना चाहिए था तो एहसान दानिश साहब को मिलना चाहिए था। जी जी, पुपरी न्यूज पे बात से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पे एहसान दानिश साहब भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं कि अभी हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शाहिद साहब को जो सम्मान मिला और उन्होंने जो उन्हें सम्मान दिया उस पे वो क्या कहते हैं। जी पुपरी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। अभी यहाँ के जो SDM साहब हैं और DSP साहब ने हमारे कलीग को सम्मानित करने का काम किया। हकीकत यह है कि उन्होंने जो जनता में द्वेष फैलाने वाली बातें थी उसकी जगह पे हकीकत से जनता को रूबरू कराया, जिसकी वजह से जो यहाँ का माहौल खराब होने वाला था उसको उन्होंने बचा लिया। जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक बेहतर काम किया और अपने न्यूज़ के जरिए लोगों को हकीकत से रूबरू कराया। ऐसे में उनका हक बनता है इनाम पाने का, और मेरी दुआ है कि आगे और भी तरक्की करें और अपना नाम रोशन करें। हमारी नए साथ हमेशा उनके साथ है और रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे साथ उर्दू न्यूज बिहार के चीफ एडिटर SM रजा भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आज पत्रकारिता जगत में बेहतर काम करने के लिए शाहिद रजा साहब को जो सम्मान मिला है उस पे वो क्या कहना चाहेंगे। जी पुपरी न्यूज में आपका बहुत 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 स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, क्योंकि आपका भी वक्त काफी कीमती है। मैं शाहिद भाई के लिए एक शेर कहना चाहूंगा। इरशाद। अल्ताफ जिया की लिखी हुई शेर है। तलवार पे खुद मैंने ही सर रख दिया अपना, मालूम है मुझको कि मैं सच बोल रहा हूँ। और वाकई ये आज साबित हो गया है कि अगर आप सच के रास्ते पे हैं, हक के रास्ते पे हैं, और चाहे दुनिया इधर हो जाए उधर हो जाए, लेकिन अगर आप सच्चाई को दिखाने की कोशिश करते हैं तो ये हकीकत है कि ऊपर वाला भी, खुदा भी आपको सम्मान देने का काम करता है, नवाजने का काम करता है, जिसकी साफ झलक आप अभी कुछ देर पहले देख चुके हैं। और मैं दिल से मुबारकबाद देता हूं शाहिद रजा साहब को कि, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो हम सबों के लिए, खास तौर से मेरे लिए, क्योंकि मैं उनका जूनियर हूं और मुझे काफ़ी खुशी हुई है उनसे, उनको देख करके, उनकी खबरों को देख करके बहुत कुछ सीखने को भी मिला है मुझे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह वो अपने सहाफत की दुनिया में बुलंदी हासिल करते रहे, सच्चाई के साथ कवरेज करते रहें,
ताकि हम सबों को हौसला मिले, हिम्मत मिले। और आखिर में फिर से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और वक्त देने के लिए आपका भी शुक्रिया अदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऊपरी न्यूज की पूरी टीम की ओर से शाहिद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप देख रहे हैं इस वक्त ऊपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। ऊपरी न्यूज आपकी आवाज हर पल आपके साथ, न डरेंगे न डराएंगे, केवल सच दिखाएंगे, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। और निष्पक्ष खबरों के लिए ऊपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। ऊपरी न्यूज आपकी आवाज हर पल आपके साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं एसके इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधित सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड पुपरी बाजार, प्रोप्राइटर शौकत खान, सिराज खान, एक बार अवश्य पधारें।